हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका छप्पन भोग किचन में। आज की हमारी रेसिपी है मोमोज की चटनी। तो आइए जानते हैं इसे बनाने के लिए किस किस इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। थोड़े से लहसुन, थोड़ा सा अदरक और 5 से 6 लाल मिर्च, 4 से 5 टमाटर, थोड़ी सी चीनी, सोया सॉस और विनेगर। आइए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसे थोड़ी देर गर्म होने देंगे। पैन गर्म होने के बाद उसमें पानी डालेंगे। पानी के उबलने का इंतज़ार करेंगे। पानी उबलना शुरू हो चुका है। अब हम उसमें अपने लाल मिर्च डाल देंगे और साथ ही टमाटर डाल देंगे और इसे कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए उबलने देंगे। दोस्तों आप चाहें तो टमाटर काट के भी उबाल सकते हैं। हमारी लाल मिर्च और टमाटर उबल चुके हैं। अब हम टमाटर के छिलके उतार लेंगे और इसे एक बॉल में रख लेंगे। देखिए दोस्तों हमारे टमाटर कितने अच्छे तरीके से उबल चुके हैं। अब हम ग्राइंडर का जार लेंगे, उसमें अपने टमाटर डाल देंगे। टमाटर को हम थोड़े छोटे पीसेस में काट लेंगे और इसे ग्राइंडर के जार में डाल देंगे। अब हम इसमें उबली हुई लाल मिर्च डालेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। देखिए दोस्तों पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब हम फिर से गैस पर पैन रखेंगे। पैन को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। पैन गर्म होने के बाद उसमें 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने दें थोड़ी देर। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। दोस्तों अब हम इसमें कटा हुआ अदरक और लहसुन डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। इन्हें अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे जब तक इनका कच्चापन दूर ना हो जाए। अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे और इसे स्टिर कर लेंगे। देखिए दोस्तों सोया सॉस अदरक और लहसुन में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें मिर्ची और टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे जब तक इसका तेल ग्रेवी से सेपरेट ना हो जाए। इसे बीच बीच में स्टिर करते रहें। अब हम इसमें 1/4 चम्मच चीनी का डालेंगे और 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चटनी को 2 मिनट के लिए पकने दें। देखिए दोस्तों चटनी में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच वाइट विनेगर का डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे पराठे के साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे मोमोज के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक कर मोमोज की रेसिपी देखना ना भूलें। अब हम चटनी को एक बॉल में डाल लेंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। दोस्तों ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।